हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम राम कुमारी जायसवाल फॉर राम्स गैलरी। आज मैं आप लोगों को सरसों की खली का प्रयोग पौधों में कैसे करें ये बताऊंगी। ये है सरसों की खली, देखिए। ये मैंने इतनी सरसों की खली ली है जी। ये हम 100 ग्राम सरसों की खली ले लेंगे और अब इसे पानी में भिगा के इसे हम 3 से 4 दिनों के लिए छोड़ देंगे। तो 3 से 4 दिनों के बाद ये अच्छे से भीग के पौधों में डालने लायक हो जाएंगे। और हम इन्हें अगर सीधे डालेंगे पौधों में तो फिर पौधों में फंगस, इन्फेक्शन लगने का, कीड़े लगने का डर रहता है, इसलिए इन्हें पानी में भिगा कर ही डालें तो ज़्यादा अच्छा होता है। और ये पौधों के लिए बहुत गुणकारी है, पौधे इससे अच्छा न्यूट्रिएंट्स पाते हैं। और ये एक ऑर्गेनिक खाद है, इसमें कोई सी तरह का केमिकल नहीं है। ये देखिए, ये हमने इसे भिगा के रख दिया था और ये है 4 से 4 दिन बाद का हमारी सरसों खली। ये एकदम पूरी भीग के लिक्विड बन चुकी है और हम इसे अपने पौधों में प्रयोग करेंगे। तो हमें इसे डायरेक्ट नहीं डालना है, हमें जितने पौधों में डालना है उसके हिसाब से हमको इसकी क्वांटिटी के हिसाब से इसे डाइल्यूट करना होगा। तो हम ये आधी बाल्टी मैंने पानी बकेट में ली है, अभी हम इसमें इसे डालेंगे और फिर इसे अपने पौधों में प्रयोग करेंगे। इसे हमें पतला करना है तब डालना है, अगर हम इसे ऐसे ही गाढ़ा डाल देंगे तो भी ये हमारे पौधों में बहुत नुकसान करेगा। ये जला देता है, बहुत गर्म करता है, तो इसका हमें बहुत डाइल्यूट भाग ही लेना है अपने पौधों के लिए। इसे अच्छे से मिला लें। अब इसे लेके हम अपने ऐसे पौधों में डालेंगे। इसमें मैंने हरी प्याज और भिंडी लगाई है, ये हमारी सेम है, हमारी सब्जियों के पौधे, ये बैंगन है, टमाटर में। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। थैंक यू।